सर नाश्ता लगा दूं? तुम यहाँ? ये तो तुम बताओ, तुम्हें साल में अभी तक सुकून क्यों नहीं है? बस यार नहीं है सुकून। जल्दी से ही महीना खत्म हुआ और मैं वापस जाऊं। इधर देख, क्या झगड़ा कर कर आया? इस चेंज की कोई खास वजह है? चेंज? पहले तो तू सबको घर से निकालने की धमकी दिया करता था, अब खुद घर छोड़कर आ गया, हुआ क्या है? तो ये बात है, साहिर दूसरी शादी कर रहा है और इल्जाम तुम्हारे सर डालने की कोशिश की जा रही है। मुझसे वहां सांस नहीं ली जा रही थी। वैसे उन्होंने इल्जाम लगाया है तो कोई तो वजह होगी ना? मुझ पर शक कर रहा है? नहीं यार, उस पर नहीं, वो लड़की नूर है ना, वो तो शुरू से तेरे चक्कर में है ना। वो थी ना, मैं तो नहीं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी दादी का ये शक उसका तुम में इंटरेस्ट देख के हुआ हो। उसका मुझ में इंटरेस्ट था, है नहीं। अच्छा, तो फिर तो उसे इस इल्जाम पर कुछ कहना चाहिए था, वो खामोशी से क्यों सुनती रही? और फिर तुम कह रहे थे कि साहिर को नूर का तुमसे बात करना बुरा लगता है, तो वो इतनी बड़ी बात पर अब तक खामोश क्यों है? क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं। चलो ये भी अच्छा है, वरना क्या पता उससे तो फिर पागल हो जाता। पागल तो वो मोहब्बत में भी हुआ था। तो उसे अब भी पागल रहने दे। अब से क्या मतलब है? वो अपनी मंगनी से खुश है ना, रहने दे खुश। तू सुजैन का सोच, वो पाकिस्तान आने का कह रही है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नाश्ते पे सब इंतजार कर रहे हैं। इतने दिन पलंग तोड़ के भी तुम्हारी कमर अभी तक झुकी हुई है, ठीक से काम भी नहीं हो रहा तुमसे, सीधी होके काम करो। बीबी जी ये डाल दूं? शुक्र है किसी की आवाज तो सुनी, ना गूंगियों के साथ सर कपाना पड़ रहा था। सोगरा बीबी तो इन्हें फिरौन के जमाने की खामोश मम्मी कहती थी, और अब ये भी। वैसे कहती तो वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा सुनो, ये हलवा बन गया, इसमें बादाम भी डाल दो। कोई न्याज है बीबी जी जो इतना हलवा बन रहा है? हाँ, मन्नत मानी थी मैंने, जब बला टलेगी तो न्याज बांटूंगी। कौन सी वाला बीबी जी? थी एक, एक घर पर मंडला रही थी और एक घर के वारिस पर। तो टल गई क्या? हाँ, एक की तो बोलती बंद हो गई और दूसरा घर छोड़ के चला गया। कौन चला गया बीबी जी? वही जिसके जाने से घर के सारे काम मामूल पर आ गए, वरना ये महारानी यहां होती? ये दोनों आंखों आंखों में क्या दुख बांट रही हो? अपना अपना काम करो। सुलेमान, वो छोटा बच्चा थोड़ी है कि उसके जाने की इतनी फिक्र कर रहे हो। तो साहिर का छोटा बच्चा था अम्मा, उसके तो घर छोड़कर जाने की धमकी पर आपने घुटने टेक दिए थे। साहिर के सामने घुटने टेकने से वो रुक गया था ना, तुम्हारा नाश्ता के बगैर जाने से जारून वापस नहीं आएगा। आपकी तो दिली मुराद पूरी हो जाएगी ना अम्मा। अरे मेरी क्या दिली मुराद पूरी होगी, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो आबहवा तब्दील करने गया है, हमेशा के लिए थोड़ी गया है। इसी शहर में रहकर आबहवा तब्दील हो जाएगी? अब इसी शहर में तो अगले साल वापस। अरे आ गया तुम्हारा चहीका। जारून तुम कहाँ थे रात भर?
दोस्त के घर पे था। तो वापस क्यों नहीं आए? पार्टी में देर हो गई थी और फिर ड्राइव करने की हिम्मत ही नहीं थी मेरी। तो फोन कर देते बेटा, कोई लेने ही आ जाता। हाकिम दादी लेने तो आ जाता, लेकिन क्या पता वो गोलियां मार के चला जाता। तो सारून, तुम पर हमला करने से पहले इस दफा उससे मेरा सामना करना पड़ेगा। अरे तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, तुम आराम करो और तुम चलो नाश्ता करो। नाश्ता के बगैर नहीं जाते घर से, बुरी बात होती। आ जाओ साहिर, ये लो हलवा खा लो। सुबह सुबह मूड नहीं है। मैंने अपने हाथों से बनाया है, खा लो। अरे पप्पो, जब उनका दिल नहीं चाह रहा तो आप क्यों जिद कर रही हैं? तुम्हें हाकिम मामा बुला रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लो थोड़ा सा तो खा के देखो। नहीं है ना मूड अम्मा। तुम अभी तक यहीं पे बैठी हो, जाओ ना, तुम्हें हाकिम दादी ने बुलाया है। कहाँ जा रही है? यहाँ बैठो। सर जी, मुझे हाकिम दादी बुला रही है ना। अम्मा नूर है ना, उसको भेज दे, ये मुलाजिम थोड़ी है, समरा मेरी मंगेतर। पपेट की डुगडुगी तो किसी और के हाथ में चली गई। समय हो जो मैंने तुम्हें मंगनी की अंगूठी लाके दी थी, कैसी लगी? अगर अच्छी नहीं लगी तो नई जाके ले लेंगे। नहीं नहीं साहिर जी, बहुत अच्छी है। सारुन भाई आ गए। चल चल अपने कमरे में जा, जल्दी जा, जा जा जा, उसको कमरे में ले जा जल्दी। अरे अम्मा, ये यहाँ पे क्या कर रही है? बेटा वो अकेले अकेले उठता गई थी ना, तो किचन में आ गई। सारुन घर से बाहर गया है, कहीं मुड़ से बाहर नहीं चला गया? तो आपने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। अरे अकेले परेशान होती है ना, सोचे परेशान करती, तो यहाँ आ गई तो क्या हुआ? और अगर सारुन इसको हालत में देख लेता तो? वो कौन सा हमारा बना हुआ खाना खाता है जो किचन में झांकने आएगा? बस इसीलिए भेज रही हूँ कि कमरे में न पाकर परेशान हो जाएगा। जाओ 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 ले जाओ। समय हो जो मैंने तुम्हें मंगनी की अंगूठी लाके दी थी, कैसी लगी? अगर अच्छी नहीं लगी तो नई जाके ले ले। तुम्हारे दुश्मन तुम पर शक नहीं कर रहे, बल्कि सोची समझी प्लानिंग के तहत तुम पर तोहमत लगा रहे और तुम्हारी परेशानी को देखकर खुशियां मना रहे। उन्हें खुश मत होने देना सारू। अम्मा नूर है ना, उसको भेज दे, ये मुलाजिम थोड़ी है, समरा मेरी मंगेतर। दुश्मनों की खुशियों में आग लगा दो सारू, जैसे उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में लगाई है। नूर, क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए नाश्ता बना के लेकर आओ। नूर से नाश्ता बनवाओगी? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? और अगर है तो मुझे बता दें, मैं नौकर ले आता हूं। ताया भाई, तुम उसका मुंह क्या देख रही हो? जाओ नाश्ता बनाओ उसके लिए, तुम चलो मेरे साथ। दे आई सारून को नाश्ता। क्यों,
घर की बहू? घर की बहू की औकात देखी आपने? मैं साहिर नहीं हूं हाकिम दादी, जो किसी भी लड़की को देखकर पागल हो जाऊं। नूर, अगर ये खुद भी मेरे पास आएगी ना, तब भी इसे अपने रस्ते से हटा दूंगा। और यकीन नहीं आता तो आप खुद इससे पूछ लें। नूर, क्या हुआ? शर्म है तुम्हें? तुमसे तुम्हारा हस्बैंड भी संभाला जा रहा, तुम उस पर इल्जाम लगाती हो? हाँ, नूर, जारून को भूख लगी होगी। नूर, क्या समझती हो तुम? हाँ, मैंने समरा से मंगनी करने का फैसला कर लिया तो तुम आजाद हो गई हो। उसके लिए खाने बनाते फिरोगे? तुम्हें क्या लग रहा था कि मेरा देहांत बट रहा है तो तुम दोनों कुछ भी करते रहोगे? कोई भी खेल खेलते रहोगे तुम? हरगिज नहीं। मैंने दूसरी शादी का फैसला जरूर कर लिया नूर, लेकिन मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम अभी भी मेरी बीवी हो। समझे? मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, तुमने इन्वेस्टमेंट की है। मैं किया तो तुम मेरी इन्वेस्टमेंट की है तुमने। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर इस कमरे से तुमने बाहर कदम रखने का सोचा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक इंसान हो। यहां जानवरों की तरह जंजीरों से बांधूंगा तुम्हें मैं। और अब अगर तुमने उसके लिए कुछ खाना बनाने का सोचा ना, तो उसी खाने में तुम दोनों को जहर डाल के खिला दूंगा। समझ आई तुम्हें? प्लेट मत निकालो, ऐसे ही रख दो। बल्कि डस्टबिन में फेंक दो। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं जारून भाई? मैं तो वैसे ही ले आई थी, जैसे ही खाना तैयार हुआ था। तुम? जी। नूर कहाँ? अपने कमरे में। अम्मा के पास? नहीं, अपने कमरे में। साहिर के पास? जी। साहिर को पता है कि ये खाना नूर ने मेरे लिए बनाया? नहीं, ये खाना किनारा बीबी ने बनाया। अम्मा ने बनाया? नूर कहाँ थी? नूर बीबी ने मना कर दिया था आपका खाना बनाने से। नूर ने मना कर दिया था खाना बनाने से साहिर के सामने?
जी। ग्रेट, जरा बुला के लेके आओ नूर को। जी अच्छा। ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। अगर मेरी सलमा के लिए ऐसा रिश्ता आता ना, तो मैं लड़का देखे बगैर उसकी शादी कर देती। मैं नसीब वाली तो नहीं अम्मा। अरे नहीं बेटा, ये देख मेरी 2 महीने की तनख्वाह कितनी है। इन पैसों में भी हम रह तो लेते थे ना अम्मा। रहते नहीं थे, गुजारा करते थे। गुजारा भी तो खुशी से करते थे। मगर जब ऐश कर सकते हैं तो गुजारा करने की क्या जरूरत है। ऐश की कीमत चुकानी पड़ती है अम्मा, वो नहीं है हमारे पास। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। देख एक बार तेरी शादी हो जाने दे, इतना बड़ा घर होगा, ये लंबी सी गाड़ी, और इतना पैसा होगा तेरे पास कि इतना वितना तो तू फकीरों में बांट दिया करेगी। मुझे नहीं चाहिए बड़ा घर, लंबी गाड़ी और ये पैसा। नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए तुझे। मुझे तो बस ऐसा ही एक छोटा सा घर चाहिए, जहां दिन में थोड़ा सा खाना मिल जाए, रात को आऊं तो दरवाजा खुला मिले, ताला ना लगाओ। लो भाई, ये तुम हमें अपनी ख्वाहिशात बता रही हो या हम पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं लगा रही आप ही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हीरे मोती के कंगन नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो बस कोई मरहम ला दे, काफी है। ले जा इसे, ले जा इसके कमरे में जाकर छोड़ दे, इसको नहीं समझ में आएगी मेरी बात। चल भाई उठ, चल सो अपने कमरे में, उठ चल। मैंने दूसरी शादी का फैसला जरूर कर लिया नूर, लेकिन तुम्हें तलाक नहीं दे रहा मैं। तुम्हें इन्वेस्टमेंट की है, मलकियत है तो मेरी।